जब से हम लोग दिल्ली से निकले हैं यानी कि 8 दिन पहले, तब से आज हम हवा चेक करा रहे हैं अपनी। जब ट्रैफिक लगने लग जाए तो समझ जाना कि शिमला आ चुका है। तो ये है नाइट व्यू शिमला का, बड़ा प्यारा है। क्लब भी है यहाँ पे, गाने बज रहे इसमें। ये मॉल रोड का कुछ ऐसा नज़ारा था, पूरी खाली हो चुकी है, कोई नहीं है। 10 बजे के बाद पूरा खाली हो जाता है। ये देखो पूरी मॉल रोड। तो गाइस हम लोग नारकंडा पहुंचने वाले हैं, बट पीछे की साइड ना, यहाँ पे जहाँ पे उस दिन हमने ढाबे में खाना खाया था ठाकुर, आपको याद नहीं होगा, जगह का नाम तो मैं भूल गया, वहाँ पे आर्मी वाले का और एक हिमाचल टूरिज्म बस का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा था। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, आर्मी का जो 2.5 टन वाला ट्रक होता है उसका एक्सीडेंट हो रखा था और हिमाचल टूरिज्म की नई बस थी उसका एक्सीडेंट, और वहाँ पे इतना लंबा जाम था और इसलिए पुलिस चेकिंग भी हो रही थी, हमारी भी चेकिंग हुई, लाइसेंस वगैरह देखा और फिर आगे जाने। अब पूरी आर्मी की इतनी फौज खड़ी थी वहाँ पे, कम से कम 200-300 आर्मी वाले थे। और फाइनली हम लोग नारकंडा पहुँच चुके हैं, नगर पंचायत नारकंडा पुनः पधारे, बिल्कुल पधारेंगे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव नारकंडा, व्यू देखो आप एक बार। वाओ, जब से हम लोग दिल्ली से निकले हैं यानी कि 8 दिन पहले, तब से आज हम हवा चेक करा रहे हैं अपनी। अभी तक हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, चेक करते हैं कितना है। हवा भराते हैं फिर निकलते हैं, वैसे अभी हवा है वैसे। जब ट्रैफिक लगने लग जाए तो समझ जाना कि शिमला आ चुका है। दिल्ली जितना ट्रैफिक लगता है इधर पे, दिल्ली जितना ट्रैफिक मार देगा आपको बहुत ज़्यादा, अंदर तक मार देगा आपको, बहुत दूर दूर से ट्रैफिक लग रहा है। शिमला पहुंच चुके हम लोग, ये देखो जाखू टेम्पल ऊपर की साइड। हम पुराने वाले धर्मशाला में आए थे जिसमें हम पहले दिन रुके थे शिमला के अंदर, बट डोमेट्री नहीं है यार, इसमें भर गई फुल। अभी हम सोच रहे हैं आगे की तरफ निकले। तो दोस्तों देखो ये है शिमला का नाइट व्यू, वाओ दिस इज़ ऑसम। तो दोस्तों हम लोग लगभग 6 बजे के करीब पहुंच गए थे शिमला, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रूम वगैरह सर्च किया, धर्मशाला देखी, बट वही सिस्टम है कि 10 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने एक प्लान डिसाइड किया कि रातों रात निकल लेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए, ठीक है। बट करेंगे क्या, पार्किंग करनी पड़ेगी बाइक प्लस सामान। तो हमने सरकारी जगह पे, नाम नहीं बता सकता, सरकारी जगह पे हम लोगों ने पार्किंग करा दी, आर्मी प्लस पुलिस की जगह पे। अपना कार्ड वार्ड दिखाया आर्मी का और पार्किंग होगी। क्या बोलना चाहता है? अब 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, 12 बजे के बाद हम लोग खींच लेंगे सीधा दिल्ली के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पार्किंग हमने लगा दिया है, रात के लगभग 8:30 हो चुके हैं। ये रहा BSNL का टावर शिमला का। तो ये है नाइट व्यू शिमला का, बड़ा प्यारा है। क्लब भी है यहाँ पे, गाने बज रहे इसमें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह सब चीज़ है इधर। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा में डिनर करने के लिए। तो गाइस गुरुद्वारा में जा रहे हैं हम लोग अपना डिनर करने के लिए, लंगर चखने के लिए। तो
तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए, देखते क्या होता है। अभी कुछ रूम वगैरह कुछ नहीं लिया, लगभग रात के 11:30 बज चुके हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। दिल्ली निकल गए? हाँ भाई, क्या भी रुपए यहाँ पे निकल लेते। ये मॉल रोड का कुछ ऐसा नज़ारा था, पूरी खाली हो चुकी है, कोई नहीं है। 10 बजे के बाद पूरा खाली हो जाता है। ये देखो पूरी मॉल रोड पूरी खाली होगी। तो ये थी मॉल रोड, देखो पूरा रोड बंद हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई, सिर्फ एटीएम खुला है, सब बंद। अभी सो गए थे ना वैसे? हाँ, पर आप लेट सोए थे मेरे बराबर। चलो धन्यवाद भाजी। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम शिमला। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम कल रात को हमने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी थी, पहले दूसरी जगह करी थी, आर्मी की जगह में, पुलिस की जगह में, बट उसके बाद यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ यहाँ की, बट एक भैया थे हिमाचल के, आपने शक्ल देख ली होगी, उनके साथ हम लोग रुके थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसों के।